मैं ऑडिबल नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंपनी खोलते हैं आज। कंपनी वाला चैप्टर तो उल्टा चलाएंगे, आप लोग बताओगे मुझे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, हाँ इतनी सी बात। नो वॉइस बेटा, बाकी सबको तो आ रही है। बोलती है वो तो, अंबिका नाम है। नहीं वो अंबिका तो जेन्युइन बच्ची है। इसीलिए उसने कह दिया नो वॉइस। आ गई बेटा, ठीक है बेटा। ओके सो डाउट पूछ लो पहले। हाँ, कौन सिंगल बैठा है यहाँ? कुणाल, ये तो क्लासरूम है लेकिन। 3 पॉइंट, हाँ एक है ऑब्जेक्टिव वाला। क्वेश्चन 6 क्या? हाँ गलत है। नाइन्थ का तो डी आंसर होगा, एक्सपल्शन। हाँ ये क्वेश्चन ही गलत है, काट दो इसको। क्वेश्चन 6 ये वो ही पता कर सकता है जिसने पढ़ा, बाकी जिसने पढ़ा नहीं और पीछे से ऑब्जेक्टिव टाइप है, टिक 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 करके रट लिए, आ ही नहीं सकता, वो गलत है। अगर आज आप ये मेरे से नहीं पूछते तो लास्ट में मैं पूछ लेती कि पढ़ा है तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पढ़ लिया एक ने, एक नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी किसी ने नहीं पढ़ा। पढ़ा था तो फिर डेट, अब तो सबको ही होगा ना। अब तो सबको ही होगा, ठीक है ओके। ऑलराइट सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट। पहले कंपनी एक्ट शुरू कर रहे हैं, एलएलपी को पहले स्किप कर रहे हैं क्योंकि कंपनी हो जाएगी तो एलएलपी उससे जल्दी हो जाएगी, राइट? काफ़ी वो आर्टिफिशियल पर्सन परपिचुअल वो सारे पॉइंट्स आपको एलएलपी में मिल जाएंगे, तो इट विल बी इजियर टू स्टडी एलएलपी। कल की क्लास में आपको बताया था कि 20-25 दिन का आपका सिलेबस बाकी है, तो दो चैप्टर्स आपके जो बाकी हैं, एक तो है आपका कंपनीज एक्ट और एक है आपका एलएलपी। इनके क्या है कि सब पार्ट्स है ही नहीं, जैसे अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं चैप्टर्स उनमें यूनिट्स थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कंपनी में और एलएलपी में कोई यूनिट्स नहीं है आपकी। एक एक इंडिविजुअल चैप्टर, एक 30 पेज का, एक 20 पेज का, तो उससे पेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और आपकी वो बीएसटी वाला याद करने वाला पोर्शन आता जा रहा है, राइट? तो कंपनीज एक्ट पहले करेंगे अपन, 4-5 दिन चलता है टेंटेटिवली है, तो इसको करेंगे और फिर उसके बाद अपन एलएलपी स्टार्ट करेंगे। तो एलएलपी तो आता भी 5 नंबर का है, छोटा भी है, तो 2-3 दिन में एलएलपी खत्म हो जाएगा। फिर सेल ऑफ गुड एक्ट थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ाएंगे, आराम से, ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी, मज़ा भी बहुत आता है पढ़ने में और मज़े के साथ साथ ईजी भी लगता है वो, राइट? तो उसको थोड़ा एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ में अच्छे से समझेंगे और पढ़ाएंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रखना चाहती हूँ। ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, तो ये तो अपन या आप लोग याद करोगे ही करोगे, तो ये है। तो अभी सेप्टेम्बर के लास्ट तक तो आपका सिलेबस खत्म हो जाए, और सारे सब्जेक्ट्स में भी हो जाए क्या? खत्म हो गया क्या? और मैथ्स वाले सर ना, मैथ्स की क्लास कब होती है आपकी? ऐसे तो बेटा सारे ले लेंगे तो 5 दिन में अपना भी खत्म हो जाएगा। BCR में क्या बाकी है, मतलब क्लासेस कम होती हैं क्या उसकी BCR की? चलो जो भी है, ठीक है। तो
करंट स्पीड के हिसाब से तो मंथ के लास्ट तक हो जाएगा मैक्सिमम। एग्जैक्ट डेट तो क्या, 20-25 दिन का कोर्स है आपका, और अगर अपनी क्लास किसी और का टाइम अपन ने लिया और 1 का 1.5 घंटा पढ़ा तो उस हिसाब से खत्म हो जाएगा। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो सुबह के टाइम पे बढ़ाएंगे, इस टाइम पे नहीं बढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? एक और है, इकोनॉमिक्स तो अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ वो तो है क्या कौन सा वाला, कौन सा वाला? मेरा कोई शासन नहीं है बेटा, आपका शासन आप पे, आप खुद ही लगाओ। तो पेज नंबर 5.2 कंपनी लॉ। पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं आज क्लास में, है ना? यही मिलेंगे क्या? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ना हो पाए मन से डिसाइड हो गया तो गलत है। लॉ का टेस्ट आ रहा है ना आपको, इस बार रिवीजन नहीं करवाएंगे, इस बार खुद पढ़ना। ओके सो पेज नंबर 5.2 कंपनीज एक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं। तो कंपनी एक्ट आपको जैसा कि बताया कि अदर वे राउंड चलेगी, मैं पूछते जाऊंगी आप बताते जाना, और जहां आप नहीं बता पाओ फंस जाओ वहां मैं बता ही दूंगी आप लोगों को, राइट? चलो ठीक है, तो पूछा नहीं मैंने वैसे अभी, राइट? तो जितना जो पूछो उतना उतना ही बताते जाना, ऐसा नहीं कि मैम आप जो भी पूछो हम अपना ही बताएंगे, हमको जितना आता है उतना ही बोलेंगे, राइट? तो 2013 के बाद तो अमेंडमेंट हो गया इसका, 2017-18 में तो आप तो अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं अपन तो, लेकिन एक्ट वही चल रहा है, एक्ट चेंज नहीं हुआ। तो इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 5.2। सबसे पहले द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। द कंपनीज एक्ट 13 वॉज प्रिसीडेड बाय कंपनीज एक्ट 1956। तो 13 से पहले कौन सा एक्ट चला था इसमें? 1956 का एक्ट चला। 56 के बाद कौन सा आया? 2013। तो अगर कोई कंपनी है जो 56 में रजिस्टर हुई थी तो वो 13 के हिसाब से चलेगी या 56 के हिसाब से चलेगी? 13 के हिसाब से चलेगी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पे आ जाओ, वो समझा देगा आपको। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। जो अभी अभी आपको पूछा था मैंने सवाल कि अगर कोई कंपनी पिछले एक्ट में रजिस्टर हुई है तो उसकी वर्किंग तो अब जो करंट एक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ही होगी। तो अंडरलाइन करो, अंडर दिस एक्ट हाँ बहुत ज्यादा करती। पहले तो एक्चुअली 12-12 घंटे तक खड़े होके पढ़ाते थे, अब नहीं। वो जमाना अभी 5-6 महीने पहले तक ही था। मेरा है ना एक्चुअली एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर। हाँ अच्छा सबको पता है क्या? हाँ तो वही हुआ था जो बता दिया उसने नहीं स्कूटी चलाया तो बेटा बहुत जमाने हो, याद भी नहीं ऐसे चल। तो ये बता दो, मैं आपका इंटरेस्ट देखो मैं कैसे हुआ था, मैं ये बता दो। हाँ तो बेसिकली पॉइंट ये है कि पैर में मल्टीपल इंजरीज थी, एक ही पैर में 3 फ्रैक्चर थे, एक और माइनर था, 3.5 फ्रैक्चर थे बेसिकली। तो उसके बाद से क्या एक टाइम के बाद खड़ा होना पॉसिबल नहीं, बट उस टाइम पे भी मैंने सोचा था रेस्ट करेंगे 2-3 महीना बढ़िया आराम से। बच्चों ने वहीं से यहीं से कह दिया कि हम तो, एक मेरी क्लास थी जो ऑनलाइन चलती थी बाकी सारी ऑफलाइन, तो मैंने हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, लेकिन आगे बैठे रहते थे। तो दैट इसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि, और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ेंगे, ऑनलाइन तो छोड़ो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ेंगे, है एक समझ गए ना? ठीक है।
बहुत वैसे देखा जाए तो बहुत ही लर्निंग फेज था. आई वॉज मेरी क्लासेस घर से भी मेरे को लगा थोड़ी कम हो जाएंगी, बट कम नहीं हुई. 5-6 घंटा क्लासेस चलती थी घर से, और कोई काम तो था नहीं. अपन एक ही जगह एक रूम से भी बाहर जा नहीं सकते थे, इनफैक्ट इधर से इधर भी नहीं जा सकते थे अपनी इच्छा से. तो एक जगह बैठे रहते थे, वहाँ सामने लैपटॉप होता था, बस वहीं पे बैठ के. लेकिन बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि वो खुद पढ़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने कोऑपरेट किया. ऑनलाइन पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा, उनमें बहुत सारे बच्चे अब इंटर में बैठे. तो अल्टीमेटली मैंने तब ये रियलाइज़ किया जो पढ़ना चाहते थे वो वैसे भी पढ़ लिए, उनके पास ऑप्शन था. मैंने खुद ने भी दिया था कि आप ऑफलाइन ही पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लो, बट वो उनकी चॉइस थी. क्या बट पढ़ने वाले ऑनलाइन भी पढ़ लिए और ऑफलाइन, द पर्सनल चॉइस. ऑनलाइन ऑफलाइन का फर्क नहीं है ना बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट. चलिए, सो यस, कंपनीज एक्ट 2013 के एप्लीकेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं. इंश्योरेंस कंपनी की अंडरलाइन कर लो जरा. पॉइंट नंबर टू, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. पहला पॉइंट तो ये था कि कोई जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है और कोई ऐसी कंपनी जो प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है. दूसरा अपन बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक एक्ट तो चलेगा IRDA एक्ट, आपका इंश्योरेंस का 99 और 1938 का. उसके अलावा जो उसकी डीलिंग चलेगी वो चलेगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. सिमिलरली थर्ड अंडरलाइन करो, बैंकिंग कंपनीज. बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से चलेगी, और उसके अलावा जो प्रोविजंस चलेंगे वो कंपनीज के 13 के चलेंगे. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कंपनी जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है. ये तो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है अब इस चैप्टर में आपके, अंडरलाइन साथ के साथ करते जाना. जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में गवर्नड है, सो गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट. और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट अंडरलाइन करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर दे कि भैया इस पे तो कंपनीज एक्ट के ही रूल चलेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. ये तो था आपका बेसिक कंपनी कंपनीज एक्ट 13 की एप्लीकेबिलिटी. अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का फीचर क्या होता है. तो इसमें आप ये मार्शल की डेफिनेशन टिक कर लो, हाने की डेफिनेशन तीनों करेंगे, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 की डेफिनेशन, तीनों चीजें टिक करो. तीन डेफिनेशन है. मार्शल की डेफिनेशन टिक करो, तीन तीन ही है, तीन से ज्यादा है भी नहीं. मार्शल की डेफिनेशन, प्रोफेसर हाने की डेफिनेशन, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 की डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट. ठीक, तीनों में बात एक ही हो रही है. अपन सबसे पहले कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप जब ये दो डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पे आइए. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. जो अभी अभी अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना एप्लीकेबिलिटी का, कि कंपनी का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी जो करंट एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, या तो 13 में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर किसी और एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो सब किसका पार्ट बनेगी, कंपनी का पार्ट बनेगी. आपको एग्जैक्टली यही डेफिनेशन याद करनी होगी, यही आपको समझ के जानी होगी. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेट्स मेमोराइज द डेफिनेशन. कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अगेन, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. सो वंस अगेन, राइट फ्रॉम द बिगनिंग एवरीबडी विल स्पीक टूगेदर विदाउट सीइंग इन द बुक्स. तो साथ में बोलो ना. यस, सो कंपनी मीन्स So again, company means a company incorporated under this act or section कौन सा था? Section 2, subsection 20 कौन से act का? रट गई?
अब आइए आप लोग फीचर्स ऑफ कंपनी पे। फीचर्स के बाद अपन वो डेफिनेशन वापस से पढ़ेंगे, याद रखना आप लोग। तो फीचर्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला फीचर, कैसी होती है कंपनी की एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है? ऐसे भीड़ में नहीं, रेज योर हैंड एंड देन आंसर द क्वेश्चन। तो सब बोल देते हैं हैंड रेज, एक का ही, दो तीन चार। हाँ बेटा, अब फर्म से बाहर आ गए अपन, अब कंपनी में आ गए। तो कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग। तो हाँ, वो सेलोमन वाला आ जाएगा आपका इसमें। तो सबसे पहले देखिए, देयर आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की लीगल एंटिटी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स की लीगल एंटिटी अलग होती है। इसी चीज में जो ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था, वन पर्सन कंपनीज में आएगा भी। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था, सारा मैनेजमेंट, सारी वर्किंग एक ही आदमी की, जो वो पैसा ला सके मार्केट से, बस वही हो गया, और जिम्मेदारी भी सारी उसकी। अब वो सारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप के ड्रॉबैक थे, उन ड्रॉबैक को ख़त्म करते हुए सिर्फ फायदे उठाने के हिसाब से सरकार ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, विच इज अ वन पर्सन कंपनी। पढ़ेंगे अभी डिटेल। In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, वो क्या बन जाती है? लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है क्या? ओके। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ह्यूमन बींग्स। इसके पास वही सेम पावर्स होते हैं। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, अंडरलाइन करो, ओन प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन्स ले सकती है, लाइबिलिटी ले सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और एक इसको अंडरलाइन करो, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ह्यूमन बी, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ह्यूमन बी। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे आइए। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द एमओए। Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. तो जो लोग उस कंपनी को बनाते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं अपन? मेंबर्स के अलावा जो पहले सबसे इनिशियल लेवल पे पार्टनर्स कंपनी में कहाँ होते बेटा? प्रमोटर्स, भूल गए? याद आए? तो इनिशियली जो कंपनी को फॉर्म करते हैं वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। वो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी होते हैं कंपनी के, राइट? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि कंपनी की आइडेंटिटी उन लोगों से भी अलग है जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है। तो जिन्होंने कंपनी को बनाया है उनको भी आप कंपनी नहीं बोल सकते हो, कंपनी अलग है, कंपनी को कंपोज करने वाले अलग हैं। अंडरलाइन करो, सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट्स एंड इनकर लाइबिलिटी टू इट। सो फॉर द डेट ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे जब बात हो रही है, सबसे पहले कंपनी के साथ जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे अंडरलाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट्स, इनकर लाइबिलिटीज, तीन चीज़ों को अंडरलाइन करना। और तीसरी, इसमें दूसरी बात होती है कि अगर कंपनी पे कर्जा है तो उसके लिए कंपनी को सीयू कौन कर सकता है? जिन्होंने कर्जा दिया सिर्फ और सिर्फ वो लोग सीयू कर सकते हैं, खुद मेंबर सीयू नहीं करेंगे। वो वैसे करना भी नहीं चाहेंगे लेकिन कर भी नहीं सकते हैं। सो सीयू ओनली बाय द क्रेडिटर्स एंड नॉट मेंबर्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन पे आ जाइए। शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और ज्वाइंट ओनर्स ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। क्या शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? एग्जैक्टली, ओनर कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी के लोग अलग हैं। तो यहाँ पे ये येस और नो का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या शेयर होल्डर प्राइवेट ओनर्स या जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ सेपरेट लीगल। हाइलाइटेड पार्ट देखिए इसका,
अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी द लीडिंग केस इज गिवन हियर. व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक पर्सन है जिसकी जिसके पास कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं, मतलब बहुत बड़ा स्टेक, और वो जो कंपनी है वो लकड़ी की कंपनी, टिम्बर कंपनी है. तो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उस टिम्बर का इंश्योरेंस करवाया, पैसे दिए, ठीक है. अब उसमें लग गई आग, वो जो प्रॉपर्टी थी टिम्बर, वो किसकी प्रॉपर्टी थी? उस पर्सन की थी या कंपनी की थी? कंपनी की थी, ठीक है. तो अब आग लग गई उसमें, तो उस केस में ये कहना है कि वो पर्सनल जो आदमी है वो उस टिम्बर का इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता है, कंपनी ही क्लेम करेगी, चाहे उसने पैसे दिए हो चाहे कुछ भी किया, प्रॉपर्टी कंपनी की थी, कंपनी ही क्लेम करेगी. एग्जाम्पल देखो इसको. मेकारू एम वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी, सारे शेयर्स ऑल उसके पास ही थे एक को छोड़कर. He was also major creditor of the company. कंपनी से ही आपने पैसा लिया तो आप ही कंपनी के क्रेडिटर भी बन गए. M insured the company's timber in his own name. कंपनी का टिम्बर, कंपनी टिम्बर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, उसने कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम से इंश्योर करवाया. टिम्बर में आग लगी, M claimed insurance company held, यहाँ से जजमेंट है. The insurance company was not liable to him as no shareholder has any right in the item or property of the company. तो उसका कोई insurable interest नहीं है, insurance company उस M को जिम्मेदार नहीं है. लेकिन क्या इससे insurance company बच गई? उसने insurance का premium भी ले लिया और आग लगने पे property का insurance भी नहीं दिया, तो company बच गई क्या? नहीं. जिम्मेदार किसको है वो company? और इंश्योरेंस किसको जिम्मेदार है? कंपनी को, ठीक है. तो यही बात इसमें हो रही है कि आप चाहे मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रखते हो तो भी आप उस कंपनी से अलग एंटिटी ही कहलाओगे. टिक कर लो इस केस. परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, कंपनी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी, राइट. तो इसमें एग्जाम्पल नंबर वन देखो, पहले पेज नंबर 5.4 पे. मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 ईयर्स, काफी कंपनी जो 100 साल पुरानी चल रही हैं, और हो सकता है काफी ऐसी कंपनी है जो जिनकी काम भी बहुत कम हो चुका होगा पहले के कंपैरिजन में, या जिन्होंने कंपनी शुरू करी होगी वो रहे भी नहीं होंगे अब, लेकिन कंपनी चल रही है. किस फीचर की वजह से? परपेचुअल सक्सेशन. देयर वॉज अ कंपनी जिसमें 7 मेंबर्स थे, तीनों की एयर क्रैश में डेथ हो जाती है, एक भी मेंबर नहीं बचता है, लेकिन फिर भी कंपनी रहती है. कंपनी तो तभी मिटती है जब उसका नाम आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से हटता है, अदरवाइज जब तक नाम रजिस्टर्ड है तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है, चाहे एक भी जना नहीं बचे, चाहे उसकी वर्किंग ना बचे, कुछ ना बचे, ठीक है. पढ़ो अब इसकी थ्योरी परपेचुअल सक्सेशन की, पिछले पेज पे. पढ़ लिया आपने एम ए सब चीजें? कुछ अलग है तो अभी पूछ लो. चैप्टर को समझने में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, बस याद करना. बोलो बोलो. नींद आने वाली है? नींद आ सकती. दो ही तरीके के चैप्टर हैं जिसमें नींद उड़ती है, उससे दिमाग भी उड़ जाता है कि ये हो क्या गया, अभी तक तो ये हो रहा था अभी हो गया. और जब तक ऐसा कोई चैप्टर आता है जिसमें सब समझ में आ रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, तो उसमें लगता है कि सो ही करते हैं अपन, है ना. तो सुनना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, राइट. चलिए अब आइए नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे, लिमिटेड लाइबिलिटी. तो लिमिटेड लाइबिलिटी की जब बात करें तो दो तरीके की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी.
और तीसरी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल क्या होती है? ये तो एग्जैक्टली मेरा ही एग्जाम्पल है, पहले दिया है कि मैंने यहाँ पे कभी, मतलब फिगर भी याद है। चलो बताओ। हाँ, 2 रुपए के लिए लाइबल है। चलो ठीक है, मतलब सबने सुना था एग्जाम्पल, वेरी गुड। तो अगर आप इसको बढ़ा देते हैं अमाउंट को, 100 रुपए का शेयर है और 80 रुपए पे कर दिए हैं, 20 रुपए पे करना बाकी है, तो उस मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो कितने तक कहलाएगी? 20 रुपए। तो उस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखो फर्स्ट पॉइंट इसका, इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी द डेट ऑफ द कंपनी इन टोटैलिटी डू नॉट बिकम द डेट ऑफ द शेयर के होल्डर्स। तो जो कंपनी का डेट होता है वो शेयर होल्डर्स का डेट नहीं होता। शेयर होल्डर्स का कितना होता है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। अंडरलाइन करो, एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। और दूसरी चीज इसमें अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन में, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो जो अमाउंट आपने अनपे किया है, जो आपका पे करना बाकी है, आपकी जिम्मेदारी बस वहीं तक कहलाएगी, उसके आगे आपकी जिम्मेदारी नहीं। डाउट टू एनी स्टूडेंट ऑन दिस पॉइंट? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में जैसे किसी मेंबर ने कहा भैया मेरी गारंटी 50,000 रुपए तक की, अगर नुकसान होता है तो मैं पे करूँ, तो ये कैसी गारंटी हो गई? लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन वो 50,000 रुपये उससे कभी भी मांग सकते हैं अपन? कब मांगेंगे? एट द लिक्विडेशन, लॉस के टाइम पे नहीं। लॉस तो कभी भी हो जाएगा उसको, अगर लॉस निकाल 50,000 रुपये। लाइन करो, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, तभी आप उससे ये गारंटीड अमाउंट क्लेम कर सकते हो, उससे पहले क्लेम नहीं कर सकते। अब एक चीज बताओ, गारंटी उसने दी 50,000 रुपये, लॉस हो गया 70,000 का, कितनी लाइबिलिटी होगी उसकी? 50,000 की होगी, बट लॉस तो ज्यादा हुआ, इसीलिए तो लिमिटेड बाय गारंटी वर्ड है। लेकिन अगर उसने 50,000 की गारंटी दी और लॉस 20,000 का ही हुआ, तो गारंटी तो 50 की दी थी ना, 20 का ही हुआ ना, तो 20 तक की लिमिट। ऐसा नहीं कि जितनी गारंटी दे दी उतनी तो देने ही देने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ठीक, थर्ड पॉइंट, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी कैसी रहेगी? छिपे फिर तो बुरी तरीके से है ना। हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है? जो नेचुरल पर्सन नहीं होता, ये तो पहला लाइन इसमें दे रखा है, क्रिएटेड बाय लॉ। अंडरलाइन कर लो फर्स्ट पॉइंट में, यही दे रखा है। और दूसरी चीज इसमें अंडरलाइन करिए, क्लॉथेड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल को जो राइट्स है वो कंपनी को भी राइट्स है। सर हाँ बेटा, होती है अनलिमिटेड कंपनी, नो लाइबिलिटी एट ऑल, रूल्स कंपनी के चलते हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कहलाती है। कम होती है बट होती है, जैसे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, ऐसे इसमें भी होती है, कंपनी के केस में अनलिमिटेड है तो ही। चलिए पॉइंट नंबर टू पे करिए, समझिए पहले। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सुना है ऐसा कि कंपनी की प्रॉपर्टी है? ठीक है, ऐसे सुना है कंपनी का बैंक अकाउंट है? ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऐसा सुना है कि कंपनी ने लोन रेज किया है? ठीक है। कंपनी की लाइबिलिटीज है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यही सब आ रहा है बेटा। सो इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट एंड इनकर लाइबिलिटी टू इट। मेंबर्स जो है ना वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी को सीयू कर सकते हैं, कंपनी सीयू हो सकती है। अंडरलाइन करिए, सीयू एंड बी सीयूड। अब दूसरी चीज बताओ, कभी ऐसे सुना है कंपनी को जेल कर दी? नो मैम। ऐसे सुना है कंपनी ने ओथ लिए? नो मैम। कंपनी ने शादी कर ली, कंपनी सीए बन गई? तो यही पॉइंट टिक कर लो कि ये सब नहीं होता है, इसीलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, बेवफा तो होती है बेटा, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कितनी है। चलो मन की बातें नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, तो पॉइंट नंबर थ्री की जब अपन बात करते हैं, इसको अंडरलाइन करिए।
इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, कंपनी खुद काम कर सकती है क्या? तो कैसे काम करेगी? ह्यूमन एजेंसी में जनरली कौन होंगे? डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को टिक करो। डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एजेंसी के जैसे काम कर सकते हैं। बट फिर भी डायरेक्टर को आप कंपनी का एजेंट नहीं कहोगे। ये यस और नो का आंसर हो सकता है, तो लिख लीजिए, टिक करिए। एंड डायरेक्टर्स आर नॉट एजेंट ऑफ दी, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके एजेंट नहीं होते, चाहे एजेंसी के तौर पे काम करें, राइट? क्योंकि तो एजेंट की तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और यहाँ तो कंपनी अलग है और कंपनी के लोग अलग हैं। डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर नेम और थ्रू द कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट। सो कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? सिग्नेचर। सिग्नेचर तो हो नहीं सकते, तो क्या लगाती है कंपनी? कॉमन सील। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। कॉमन सील क्या होता है? छप्पन। इट इज बेसिकली द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन ये ठप्पे के फॉर्म में होते हैं जिसपे सील पे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, राइट? तो जहां पर सील के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। जब डुप्लीकेट बनवा ले उसमें कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ उसके पेटेंट होते हैं जो कोई और नहीं करा सकता, राइट? कंपनी कॉमन सील की जब अपन बात करते हैं, फ्रॉड पढ़ा तो दिया, तो ये सब सवाल ही नहीं आने चाहिए। तो इसकी जब बात कर रहे हैं कॉमन सील की, तो कॉमन सील में की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी सेक्रेटरी को दी थी। तो कंपनी सेक्रेटरी की इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो कंपनी एक्ट 2013 के आने के बाद काफी एक्सटेंड हुई है। और कॉमन सील जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज मानी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी को दी गई। और जहां पर भी साइन वगैरह होते हैं तो या तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी, जिस भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है वहां पर। ये ऑथेंटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको ये डॉक्यूमेंट, ये पर्टिकुलर चीज। तो कंपनी फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना है इसका। इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोर्ड विद अ बॉडी ऑफ नेचुरल बींग। नेचुरल बींग्स की बॉडी नहीं होती, बट इसमें ह्यूमन बींग्स की एजेंसी है जो काम करती है। तो कॉमन सील इसको अंडरलाइन करो। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पे अफिक्स किया जाता है। द कॉमन सील इज अ सील यूज बाय अ कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो किसी कोई भी कॉर्पोरेशन उसको यूज करती है, और आपके पास अगर कॉमन सील है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा अपन ने? बुक बंद कर दो एक बार। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज, सेकंड इज, सेकंड इज, थर्ड इज, थर्ड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, फोर्थ इज, फोर्थ इज एंड फिफ्थ इज। फिफ्थ इज क्विकली विदाउट रिपीटेशन। फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज। वेरी गुड। अब जो ऊपर दो डेफिनेशन टिक करवाई थी ना, जो पढ़ी नहीं थी, एक बार रीड कर लो, आ जाएगी। फटाफट से करो। चबूकी बंद कर दी थी क्या? अच्छा, पूरी बंद कर दी थी। अभी उसमें समय है बेटो, 3-4 महीने हैं पूरी बंद करने में। हाँ, सितंबर तो, हाँ बड़ी बहन आएगी फिर। माता जी समझो। चलो आरओसी में होता है।
उसका नाम हटेगा, कर्जे में चली जाए, सब मिलके डिसाइड कर ले, उनको लगे फ्रॉड हो गया। हाँ, गुड अपडेट, शेयर होल्डर्स को सब पे कर दिया पेमेंट। अर्ली डेफिनेशंस आने जी, मार्शल जी की नाम भी याद कर लेना, मार्शल हाने। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नाम बताइए आप। कभी 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 देखना चाहेंगे कैसा नाम आए। हाँ तो फिर बहुत गलत बात है बेटा, बहुत ही गलत बात है। अभी इतने छोटे छोटे हो, फिर एक दूसरे को ऐसे ह्यूमिलेट करते हो, और वो हेल्दी तरीके से ले रहा है, वो हंस रहा ही है, उसका बड़प्पन है, और आप ऐसे बोल रहे हो, ये आपका नेचर है, बहुत गलत बात। आप लोग सब सीए बनोगे मेरे हिसाब से तो, नो शक। लेकिन सीए के साथ अपनी पर्सनालिटी भी वैसी इवॉल्व करना, ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत करो बेटा, अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। चलो पढ़ लिए की डेफिनेशन, विद आउट ठीक है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो कि सेपरेट होती है कॉर्पोरेट वेल से। राइट, वेल का क्या मतलब होता है? पर्दा, ज्यादा बेटर वर्ड है, राइट, बात एक ही है। सो वेल का मतलब है पर्दा, तो कंपनी और कंपनी के लोगों में पर्दा रहता है, तो वो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है। लेकिन कई बार जो कंपनी के मेंबर्स है, वो कुछ इस तरीके के कांड कर देते हैं कि वो वेल हटाना पड़ता है, और फिर लॉ ये कहता है या कोर्ट ये कहती है, भैया अब इन केसेस में तुम और तुम्हारी कंपनी अलग अलग नहीं माने जाएंगे, तुमको हम उतना ही चेपेंगे जितना कंपनी को चेप सकते हैं। राइट, तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी सबसे पहले तो आप इसको पढ़ेंगे थ्योरी को, फिर इसके अपन एक्सेप्शंस पढ़ेंगे नीचे। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी टू अ लीगल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है? जिसमें कंपनी के मेंबर्स को किससे सेपरेट किया जाता है? कंपनी से। ठीक है, सो द कॉर्पोरेट वेल रेफर्स द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड, शील्डेड यानी प्रोटेक्टेड, तो शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। कंपनी के एक्शन से कंपनी के जो लोग हैं वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। कौन सी थ्योरी के अंडर में है? कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। इफ द कंपनी इंकर्स एनी डेट और कॉन्ट्रावीन्स एनी लॉ, अगर कंपनी कोई डेट इंकर करती है या लॉ को तोड़ती है, तो कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी नहीं होती है, जिसको कहते हैं दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। तो कॉर्पोरेट इंसुलेशन का क्या मतलब है? कि कंपनी अलग, कंपनी के लोग अलग, कॉर्पोरेट को ही इंडिविजुअली अपन टारगेट करेंगे अगर कंपनी की तरफ से गलती हो है। तो इस एलिमेंट को अंडरलाइन करो, होमवर्क घर से पढ़ के लाओ, या पढ़ लिया था तो एक बार और घर से पढ़ लेना फॉर योर बेटर रेफरेंस। इंसुलेट करना नहीं, घुसाना, राइट, बट यहाँ पे जो बात हो रही है एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, मतलब कॉर्पोरेट की जो फीचर्स हैं वो घुस जाते हैं, मतलब फीचर है अलग अलग। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस केस में कॉर्पोरेट वेल पियर्स हो जाता है या लिफ्ट अप हो जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट आ सकता है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, फट जाना, या लिफ्ट अप, उठ जाना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब कब कॉर्पोरेट वेल नहीं रहता है और कंपनी और कंपनी के लोग कैसी आइडेंटिटी बन जाते हैं? सेम एंटिटी, सिंगल एंटिटी। राइट, सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट पॉइंट। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि आप ये डिटरमाइन करो कि कंपनी आपकी एनिमी है कि फ्रेंड है। तो से फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ोगे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
आप किसी एक ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, वॉर का टाइम चल रहा है, और आप जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हो उसमें पाकिस्तानी मेंबर्स हैं, पाकिस्तान के साथ आप वॉर की सिचुएशन में, तो उसके टाइम पे अगर आपने डील किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये बोला गया ना, एलियन एनिमी के साथ अपन डील नहीं कर सकते, या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के साथ डील नहीं कर सकते, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो कंपनी से डील कर रहा था, मेंबर से डील थोड़ी ना कर रहा था। तो कैरेक्टर ऑफ द कंपनी जब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि वो फ्रेंड है कंपनी आपकी या एनिमी है, तो आप उसमें कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका कैरेक्टर कैसे समझोगे, उसके मेंबर से ही समझोगे। तो उस केस में ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी अलग है और कंपनी के लोग अलग है, आप क्या मानोगे, सिंगल एंटिटी। ये वाला पॉइंट समझ में? इसके आगे लिख लो एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी कंपनी, इनकॉर्पोरेशन चाहे उसको मानो कि कहीं भी हुआ उसे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ऑफ मेंबर्स, पाकिस्तानी मेंबर्स इन अ कंपनी, ऐसे लिखो एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी मेंबर्स इन अ कंपनी। एमएनसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप मेजोरिटी ऑफ लोग जिनसे डील कर रहे हो वो किस कैरेक्टर के हैं, तो अगर भाई ऐसा है कि भाई पाकिस्तानी लोग तो हो सकते हैं, दो चार ही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये कैसे पता करोगे, ये वहां के लोगों को देख के तो पता करोगे। तो कंपनी बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा अपने लोगों के बारे में, या वहां के कोई डायरेक्टर कहते हैं कि लोगों के बारे में क्यों जानना है, कंपनी के बारे में जानो ना। तो आप कहो कि नहीं आप और कंपनी अलग नहीं है, वी कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर थ्रू दिस। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपार्डी, जियोपार्डी यानी डबल साइडेड, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज स्टेट में हो, द कोर्ट मे नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। कोर्ट कॉर्पोरेट शेल समझ नहीं पा रही कि क्या चीज है, किस तरीके से चल रहा है, तो उस केस में कंपनी और कंपनी के लोगों को एक ही माना जाएगा जब आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल एमसीसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, आप यहाँ आए, आपसे आपने कहा भाई क्या कोर्स चलता है, ये चलता है, वो चलता है, आपने ही पूछा यहाँ पे कौन कौन से टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो आपको बोला हम कोर्स बता देंगे, फीस बता देंगे, ड्यूरेशन बता देंगे, पैटर्न पढ़ा बता देंगे। आप कंपनी के बारे में पूछो ना यहाँ टीचर्स कौन पढ़ाते हैं, उनसे आपको क्या मतलब है, तो वो कहेंगे भाई कंपनी अलग है और टीचर्स अलग है, अलग अलग एंटिटी है, राइट? तो आप उस केस में आप ही कहोगे ना भाई उनके बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें आना है कि नहीं आना है। तो कैरेक्टर डिसाइड कैसे होगा, उस कंपनी के लोगों से, तो लोग अलग नहीं मानेंगे आप कैरेक्टर डिसाइड करने में, कंपनी अलग नहीं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? बट इफ वी रेंट द वेल फॉर सर्टेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी, इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव अ माइंड ऑफ कंसाइंस। कंपनी के अंदर दिमाग नहीं होता, कंपनी के अंदर कंसाइंस मतलब सिक्स सेंस, फीलिंग्स नहीं होती हैं, तो ना तो ये फ्रेंड है ना ये फो है, फो यानी एनिमी। तो अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो तो कोर्ट ने कहा कि उसके लिए आप कंपनी के लोगों को अलग ना, अपनी लैंग्वेज में पूरा लिख के आ सकते हो, ये एज इट इज रटने की बिल्कुल नहीं है। वो बेसिक पॉइंट्स आपको याद होंगे, जैसे बीएसटी तैयार करके कहते हैं ना कैसे करना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, अगर कोई कंपनी है जो इसलिए बना दी गई जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू बच जाए, टैक्स बच जाए, तो बनाने वाले लोग भी उसमें आएंगे। आप बेसिकली किसी भी तरीके से फ्रॉड करो, किसी भी तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करो, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, कोई नई कंपनी बना लो इसलिए, या कोई सब्सिडरी कंपनी बना लो इसलिए, तो इस केस में कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग एंटिटी नहीं माने जाएंगे। तो कितना आसान है कि डायरेक्टर्स ने मिलकर फ्रॉड किया, उन्होंने कहा ये तो कंपनी के नाम पे हुआ, कंपनी को बंद करो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो किसी भी गलत काम में, गलत काम में तीन पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, सेकेंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट, रेवेन्यू टैक्स बचाने का पर्पस अगर है आपका, लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्टर्ब करने का पर्पस अगर है आपका, या फिर थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है कि आप कोई सब्सिडरी कंपनी बना देते हो ऑल टुगेदर, नई कंपनी जिसका पर्पस फ्रॉड करना है। सब्सिडरी बनाना गलत काम नहीं है, सब्सिडरी बनाई इसीलिए कि फ्रॉड हो सके, तो उस केस में ये सारी लाइबिलिटी उन उन लोगों की होगी जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व
थे, तो वो ये नहीं कह सकते कि कंपनी अलग है और कंपनी के लोग अलग है। आया ये पॉइंट बेसिक समझ में आप लोगों को? अब एक बार पॉइंट नंबर टू पे आइए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, देयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सरकमवेंट टैक्स। इवेड करना यानी अवॉइड करना, चोरी करना, इलीगली टैक्स को बचाना। तो जहां पर कंपनी का पर्पस ही क्या है, टैक्स चोरी करना या टैक्स गलत तरीके से बचाना, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेयरली द असेसी हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। द असेसी अर्नड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, सो ही ओपन सम कंपनी एंड परचेज देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू द असेसी बाय वे ऑफ लोन। इसमें क्या हुआ, बेसिकली एक पर्सन है जिसने खूब सारा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब उसने इतना सारा प्रॉफिट कमाया तो उसको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। उसने एक कंपनी खोल ली, उस कंपनी से दिखाया कि ये मुझे लोन, इस कंपनी से मैंने लोन लिया है, अपना ही पैसा अपनी खोली गई कंपनी से लोन ले रखा है। लोन लेते ही आपको टैक्स में रिबेट और मिल जाएगी, जो देना था वो तो देना नहीं है, प्लस जो लोन आपने, जो पैसा प्रॉफिट का है वो लोन पे दिखाया, उससे आपको उसमें रिबेट और मिल गई। नहीं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपने नई कंपनी खोली, एग्जिस्टिंग कंपनी जिसके नाम से आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे तो ये कंपनी लोन दे रही है, ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है, कंपनी को पकड़ो, मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी। नहीं, तो इस केस में यही बात हुई थी कि रेवेन्यू बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए आप किसी भी तरीके की जालसाजी अगर कर रहे हो, तो उस केस में कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग एंटिटी नहीं माने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो आपको, जैसे कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें टैक्स रिबेट सरकार ही आपको देती है, वो तो आप लोगे ही लोगे, राइट। लेकिन उसके अलावा आप जो चीज शो कर रहे हो वो गलत है। जैसे आपकी कंपनी नहीं है, आपका पैसा आप उसको लोन में कन्वर्ट करके दिखा दे तो वो गलत है। आप उस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या जैसे एनपीएस की स्कीम चलती है जिसमें 1.5 लाख तक अगर आप डालो तो आपको टैक्स बेनिफिट, टैक्स नहीं देना उस पर, वो डाल दिया तो वो तो आप स्कीम्स को यूज, विच इज ओके, लेकिन आप फ्रॉडुलेंट तरीका यूज कर। गलत है। पॉइंट नंबर थ्री, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन वेयर इट वाज फॉर्म दैट द सोल पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाज टू यूज इट एज अ डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय बोनस ऑफ वर्कमैन। इस पूरे केस लॉ को अंडरलाइन कर लो, समझाते हैं। ये एक कंपनी है जिसको खूब फायदा हुआ, अबंडेंट प्रॉफिट था। एक एक्ट बना हुआ है आपका, एक तो लेबर लॉ बना हुआ है और एक बना हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, राइट। उसके तहत आपका जितना प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट के प्रपोर्शन में आपको बोनस देना पड़ता है अपनी लेबर को, ठीक है। अब जैसे ही प्रॉफिट तो सब कमाना चाहते हैं, कमा लिया, जैसे ही बोनस देने की बारी आई, वहां का जो ओनर था उसने दिमाग लगाया और उसने नई कंपनी खोल ली, ठीक। और वो जो सारा प्रॉफिट था अपना वो उस कंपनी में डाल दिया, डिवाइड कर दिया, और अल्टीमेटली जैसे आप भी मानो कि 1,80,000 से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो आपको बोनस देना पड़ेगा। उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसने 50,000 एक जगह और 50,000 एक जगह दिखा दिया, और 80,000 के अंदर अंदर आई लिमिट उसकी, अब वो बोनस देने के लिए लाइबल नहीं है। तो ये सारा काम उसने किस लिए किया, लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए। ये उसका लीगल ऑब्लिगेशन था कि प्रॉफिट होने पे उसको बोनस देना पड़ेगा अपने लेबर को, तो उन्होंने प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नई कंपनी में। तो ये सारा प्रोसेस जो लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ये भी क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है, और इसमें डिस्टिंक्ट एंटिटी आपकी नहीं कहलाएगी। इस केस लॉ को अंडरलाइन कर लेना। एंड फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज ऑफ अ कंपनी और एक्ट्स एज एन एजेंट। ये वाला पॉइंट अभी टिक कर लो। सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे,
जब पढ़े तब याद दिला देना, समझा देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट इसका, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, इसमें ये केस ना अंडरलाइन करो, गिलफोर्ड मोटर और हॉर्न। तो कंपनी का जो पर्पस है इनकॉर्पोरेशन का, वही क्रेडिटर्स के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना, गलत काम करना, आप इसी पर्पस से ही आपने कंपनी खोली है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आप कंपनी और एंटिटी को अलग नहीं मान। ठीक है, तो आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा है जिसमें कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग कब नहीं माने जाएंगे। अब कल की क्लास में अपन काइंड्स ऑफ कंपनी के साथ में शुरू करेंगे और फिर आगे तक ले जाएंगे जितना ले जा सकते। हाँ 8 मिनट पहले छोड़ दिया आज, आज और पढ़ने की इच्छा हुई है थ्योरी। चलो इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन छोड़ तो आपको वैसे ही रहे, चिंता मत करो, ऐसा कोई टॉर्चर नहीं करना चाहते आपको, लेकिन पढ़ाना जहाँ जरूरी है वहाँ तो जरूरी है। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? अच्छा आज तो एक क्लास है, हाँ पढ़ना तो मैं भाग क्यों, ओके।